नमस्ते, आइए अनीता की किचन में आपका स्वागत है। आज अपन बनाएंगे नींबू का अचार। नींबू का अचार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये पके हुए नींबू नींबू को लिया है, जो पतला है इसका छिलका, और मिर्ची ली है, 250 ग्राम मिर्ची ली है। और इन मिर्ची को अपन काट लेंगे, और नींबू के भी टुकड़े करेंगे। और ये जो दाग लगे हुए जो ये नींबू है, ऐसे है ये अभी अच्छी है, पर इनमें ऐसे दाग लगा हुआ है। एक तो इसको निकाल लें ऐसे छिलके द्वारा, चाकू की मदद से, या फिर इसका है ना अपन रस तैयार रस रस निकालेंगे नींबू का। चलिए सबसे पहले अपन नींबू काटेंगे। हमेशा नींबू को ये जो होता है ना ऐसा उगा हुआ, वैसे नहीं काटना, कभी भी ऐसा काटना। ऐसे काटने से क्या होता है, बहुत रस रहता है, और अपने जो बीज रहते नींबू के वो भी बड़े आसानी से निकल जाते हैं। देखिए, और अपन इसके एक नींबू के 4 टुकड़े भी कर सकते हैं, और 8 भी टुकड़े कर सकते हैं, जैसे आपकी चॉइस अनुसार। और ऐसे काटने से अपने ये जो बीज रहते हैं वो भी निकल जाते हैं। जिन नींबू का छिलका ऐसा पतला होता है, ऐसा पतला, वही नींबू का अचार अच्छा बनता है, और उसी नींबू में रस भी अच्छा होता है। देखिए, अपन ने एक नींबू के 4 4 टुकड़े किए हैं। अब इसमें अपन डाल देंगे नमक, 2 3 और ये 4 चम्मच नमक डाला है, और नमक डाल के इसको मिला देंगे। बढ़िया। और अब अपन मिर्ची के टुकड़े करेंगे। अपन एक मिर्ची के 4 4 5 5 ऐसे टुकड़े किए, और इसको ऐसे काट लेंगे। अगर अपन को बारीक चाहिए तो बारीक भी और काट सकते हैं। लंबी मिर्ची चाहिए अपन को तो अपन लंबी मिर्ची भी रख सकते हैं, जैसे कि इतना इतना ऐसे काटे, और ये छोटी मिर्ची हो तो अपन एक मिर्ची के 2 टुकड़े कर सकते हैं, या फिर 4 भी टुकड़े कर सकते हैं। और इतनी लंबी मिर्ची रही तो अपन छोटे छोटे पीस करके इसके ऐसे अब इसको फिर यूं कटिंग कर लेंगे। देखिए, मिर्ची को भी अपन ने छोटे छोटे ऐसा, जो छोटी मिर्ची है उसको ऐसे कट लगा दिया है, और जो लंबी मिर्ची थी उसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके, 4 5 टुकड़े करके उसको भी आधा टुकड़ा आधा कर लिया है। अब अपन ये मिर्ची में भी नमक डाल देंगे, 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच और ये 4 चम्मच। जितना इस नींबू के अचार में नमक रहेगा उतना टेस्ट अच्छा, नींबू ज्यादा दिनों तक भी चलता है और अच्छा भी लगता है, और खराब भी नहीं होता है। और ये कुछ नींबू के जिसमें दाग लगे हुए थे वो नींबू का मैंने रस निकाला है, और ये काली मिर्ची का पाउडर, काली मिर्ची। अब इस नींबू
नींबू के अचार को बनाने के लिए सिर्फ अपन ने साहित्य लिया है, नींबू है और नींबू के टुकड़े किए और सादा नमक, काला नमक, हरी मिर्ची, काली मिर्ची। काली मिर्ची को थोड़ा सा तवे में इसको भून लिया है और भून के पाउडर तैयार किया है। अगर काली मिर्ची का पाउडर ना भी डालना हो तो भी ना डाल सके, ना डाले। मेरी मम्मी तो बस ऐसे ही बनाती थी, बहुत कम साहित्य में अचार बनाती थी और बहुत सुंदर और बहुत टेस्टी लगता था ये अचार। और अपन डालेंगे अब काला नमक, एक चम्मच इसमें डाल दिया और एक चम्मच इसमें डाल दिया। इसमें डाला कि इसमें डाला, अपन मिक्स तो अपन को साथ में ही करना है इनको। अब इसको कांच की, ये जो कांच की भरनी है, इसको गरम पानी से धो लिया है और अच्छी तरह सुखा के अच्छे कपड़े से पोंछ लिया है इसको। अब अपन इस जार में डालेंगे अपन ये नींबू और मिर्ची। ये 8-10 नींबू का रस निकाला हुआ है, अब हम इसमें डाल देंगे ये। बढ़िया हो गया। और नमक में भी और पानी छूटेगा तो अपना नींबू और बढ़िया गल जाएगा। और जो ये ये जो मिर्ची डाली है अपन ने, हरी मिर्ची, ये जब इसको नींबू का रस मिल जाता है अच्छी तरह से तो ये मिर्ची भी इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और इस तरह से इसको हलाएंगे जब भी अपन खाने निकाले खाने के लिए तो इसको ऐसे हलाते जाए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और आप इसकी कलर के लिए हल्दी भी डाल सकते हैं, पर मेरी मम्मी हल्दी नहीं डालती थी, बस ऐसे ही बनाती थी। तो मुझे बहुत पसंद था वो उनके हाथों का नींबू का, नींबू मिर्ची का अचार। आप भी इस प्रकार से बना के देखिएगा और आपका नींबू नींबू मिर्ची का अचार कैसा बना तो मुझे कमेंट द्वारा बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।